आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो हमारे वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने एक गाना सजेस्ट किया था जिसका नाम था औजार बाय सतेंद्र सरताज, तो उस गाने का जो रिएक्शन वीडियो था वो कल मैं शूट कर चुकी थी, आज मैं अपलोड करने वाली थी। एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिसका नाम है सुप्रीत कौर, उन्हें बहुत ज्यादा वेट था कि रिएक्शन कब आने वाला है, और मैंने कमेंट करके उन्हें ये बताया भी था कि रिएक्शन वीडियो हम अपलोड कर रहे थे लेकिन अपलोड करते ही वो ब्लॉक हो गई यूट्यूब की वजह से, क्योंकि उस पर कॉपीराइट जो था वो क्लेम आ चुका था। कुछ वीडियोस होती है जिसपे सिर्फ क्लेम आता है, कुछ होती है जो ब्लॉक ही हो जाती है, उसमें मेरे रिएक्शन की मेहनत सारी खराब जाती है। बट क्योंकि ये गाना इतना प्यारा था और क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में उस गाने पे रिएक्शन करने के लिए कहा था तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको बताने के लिए कि मुझे वो गाना कैसा लगा, किन जगहों पर किन लिरिक्स ने मेरा माइंड एकदम ब्लो अप कर दिया था, कितने डीप लिरिक्स थे वो, तो उन सब चीजों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गाने की जो लिरिक्स की बात करूँ, सतेंद्र सरताज मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ना हमें लिरिक्स का भगवान कह देना चाहिए। जितनी डीप सोच, मतलब जितने डीप शब्द वो अपने पेन में लेकर आते हैं, अपनी सोच में लेकर आते हैं, जिस तरीके से वो लिखकर उसको गाने की तरह बयां करते हैं ना, मतलब वो कोई, मुझे ऐसा लगता है पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो उनके दिमाग में आया उन्होंने अपने दिमाग की बातों को लिखा और फिर उसे हम सबके सामने लेकर आए। जैसे कुछ अगर मैं वहां पे लाइंस की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने हाथों के बात करी कि इंसान के हाथों से बढ़कर कोई औजार नहीं बना है, जो कि सच बात है। कितनी चीजें हमारे हाथों ने बनाई हैं जो हमें आज काम देती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो हमारे हाथों को कॉम्पिटिशन देती हो, राइट। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, दिल के बोझ की बात करी कि कितने सारे ऐसे वजन होते हैं जिन्हें हमें उठाना पड़ता है अलग अलग तरीके से, कितने वजन जो होते हैं उन्हें हम पहिए का इस्तेमाल करके उनको उठा लेते हैं, लेकिन जो दिल का बोझ होता है ना उसको उठाने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बना। और भी बहुत अच्छे अच्छे लिरिक्स थे, महाराजा राजा आए लेकिन रंजीत सिंह जी जैसा कोई महाराजा नहीं हुआ, और इतने डाउन टू अर्थ लिरिक्स होते हैं ना उनके, मतलब उसमें वो अगर अपने बारे में भी बात करते ना तो वो ये दिखा देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी लिखावट या मैं सतेंद्र सरताज कुछ भी नहीं है, तो वो चीज ना उनके लिरिक्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, पंजाबी भाषा, मुझे पंजाबी लैंग्वेज इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, ठेठ पंजाबी नहीं आती, बट फिर भी जब मैं उनके लिरिक्स को सुनती हूँ ना तो एक वो हम कहते हैं ना प्योरिटी, किसी भी लैंग्वेज की प्योरिटी वो कभी भी उनके गानों में ना खत्म होती नजर नहीं आती है। बहुत ही अच्छा वो लिखते हैं, मतलब यहाँ तो ना ऐसे शब्द खत्म हो जाएंगे, जितने मर्जी बातें मैं इस गाने के बारे में कर लूं, जितनी मर्जी बातें मैं उनके लिखे हुए हर गाने के बारे में कर लूं तो मुझे लगता है कि वो कम पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम म्यूजिक की बात करें तो ओहो, मतलब क्या म्यूजिक था उस गाने का, ऐसे ना टच कर रहा था वो म्यूजिक एकदम। मैं अगर उस गाने को आराम से बैठ के आंखें बंद करके सुनू ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो म्यूजिक के ऑरा में कहीं ना कहीं खो जाऊंगी, इतना प्यारा वो गाना था, इतने अच्छा उसका म्यूजिक था। और म्यूजिक की बात कर ली यहाँ पे, लिरिक्स की बात कर ली, और आवाज की बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं सकती, कोई भी शब्द उनकी आवाज को ना ऐसे जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि मैं उनकी तारीफ करूं और उनकी उनके लिए वही काफी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत अच्छे लिरिक्स, और साथ ही कॉम्पोजिशन जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। और ना वैसे जो सेटअप था, वीडियो की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ वो वीडियो बनाया गया, बहुत ही अलग अलग तरीके, इतना मतलब ये शॉर्ट वो शॉर्ट इतना कुछ नहीं था उसमें, बट फिर भी एक सिंपलिसिटी थी, एक अलग ही यूनिक सी चीज थी। 10 मिनट का वो गाना था, एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं वो 10 मिनट के गाने का रिएक्शन कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग नहीं, मतलब पता नहीं चला कि वो 10 मिनट कहाँ खत्म हो गए थे, काफी काफी बढ़िया था वो। और सॉरी बोलूंगी आपको कि रिएक्शन नहीं आ पाया, बट मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था जस्ट बिकॉज यूट्यूब की तरफ से वो ब्लॉक हो गया उसमें, आई कांट हेल्प इट गाइस। पर हाँ, आप लोग, अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो उन्हें भी आप उतना ही प्यार दो जितना आप रिएक्शंस को प्यार देते हो। बाकी मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियोस लाती रहूंगी, रिव्यू वीडियोस तब आएंगी जब मेरा कोई रिएक्शन वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं रिएक्शन करूं, अब रिएक्शन ब्लॉक हो गया तो मैं उस पर रिव्यू करूंगी, जो कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये रिव्यू मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना और बेल आइकन को तो जरूर दबा देना।